गाइज गुड मॉर्निंग, जिम में पहुंच गई हूँ। एक्चुअली बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहन के आई थी, रेनकोट निकाल दिया है, गाड़ी में रख दिया है और अभी जा रही हूँ जिम में। देखते हैं वर्कआउट करता है और निकल आती हूँ। फाइनली वर्कआउट फिनिश हो गया है, ये देखो कितने पसीना पसीना हो गया है। मैं तो इतनी पसीने पसीना नहीं होती कभी। आप करते नहीं होगे ना? देखो देखो मैं नहीं करती हूँ, ये करता है इसी वजह से। हे गाइस, घर पे आ गई हूँ, शार ले लिया है और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है आज वो भी बता देती हूँ आपको। आज बनने वाला है स्प्राउट्स और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं वो भी बता देती हूँ। ये अपने लिए ऑमलेट बना रहे हैं क्योंकि इनके डाइट में इनको एग्स ज़्यादा खाने के लिए बुलाया है, चिकन ज़्यादा खाने के लिए बुलाया है और क्या बोलते हैं पनीर वगैरह ज़्यादा खाने के लिए बुलाया है क्योंकि इनकी जो डाइट है वो वेट गेन वाली है और मेरी जो है वो फैट लॉस वाली है, मसल गेन एंड फैट लॉस। तो ये है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, उसके साथ यहाँ पर मैं स्प्राउट्स भी बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले फ्राई पैन में वो डाल दिया है, तेल डाल दिया है, उसके बाद जीरा राई और उसके बाद क्या बोलते हैं प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है। अभी ये जो है मैं लहसुन थोड़ा सा नहीं था, लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था तो लहसुन अदरक का पेस्ट, तो उसके बाद मैंने लहसुन थोड़ा सा कूट के डाल दिया ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पर सादे मसाले डाल रही हूँ बेसिक से, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और बस वही, तो बस डाल दिया है और अच्छे से चला लूँगी। पानी वानी नहीं डालूँगी, पानी से टेस्ट ख़राब हो जाता है। और उसके बाद बस इसे ढक्कन रख के थोड़ा सा स्टीम आने दूँगी और नमक डाल दिया है मैंने ऊपर से। और चाय मैंने यहाँ पर चढ़ाई थी, बट चाय का क्या हुआ वो भी आपको बता देती हूँ। चाय का प्रॉब्लम ये हुआ है, मैंने दो बार चाय चढ़ाई और दो बार चाय फट गई। चाय इसी वजह से फटी है कि दूध फटा हुआ था, तो इसीलिए अभी मैंने कल का दूध लिया है, परसों का दूध लिया था सबसे पहले, उसकी चाय दो बार फटी थी, अभी ये कल का दूध तो उसकी चाय बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर पर लेट दूध आता है थोड़ा सा, मतलब 10 बजे वगैरह दूध आता है, तो इसी वजह से 10 कभी 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है। पहले आंटी जल्दी लाती थी बट अभी आंटी थोड़ा सा लेट ला रही है, तो मतलब अभी 4-5 दिन ही हुए हैं लेट ला रही है, तो इसी वजह से पहले ही दिन का ही थोड़ा सा दूध रखना पड़ता है। तो परसों का दूध भी था, किसी ने पिया ही नहीं था तो परसों का दूध भी पीछे पड़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो यूज़ कर लेती हूँ, बट उसकी चाय दो बार फट गई। अभी ये तीसरी बार की चाय है मेरी जो मैंने कल के दूध की बनाई है। यहाँ पर बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जाएंगे थोड़ा सा सब्जियाँ वगैरह लेने, सब्जियाँ वगैरह लेके आएंगे और उसके बाद ये ड्यूटी जाने वाले हैं। वैसे आपको बताओ सुबह जल्दी उठ रही हूँ ना, तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है मेरे आजकल। ये गए हैं सब्जियाँ वगैरह लाने, तब तक मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। ये मेरे ही कपड़े हैं, किसी का नहाना नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे उठे ही नहीं थे, तो ये मेरे कपड़े हैं तो मैंने डाल दिए ये, क्योंकि मैं ये सबके साथ नहीं डालती हूँ, ये जिम के कपड़े होते हैं ना, तो ये जल्दी से वॉश करके डाल देती हूँ क्योंकि ना इससे थोड़ी सी बस पसीने की बदबू आ जाती है फिर अगर ज़्यादा देर रखते हैं इसे, तो इसीलिए जल्दी से वॉश करके इसे डाल देती हूँ, बाकी के कपड़े फिर बाद में धोती हूँ। यहाँ पर ये मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, तब तक मैं बाकी के अपने काम कर लूँगी। तब तक दूध वाली आंटी भी आ गई थी दूध देने, तो यहाँ पर दूध लेके आई हूँ बाहर से और ये छान के यहाँ पर गरम करने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मुझे आज मसाला भी बनाना है, टी मसाला। बहुत से लोग टी मसाले के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके पहले मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर कर की थी, मतलब टी मसाले की, बट वो मैंने मराठी चैनल पे शेयर की थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि दी हमने मसाले की रेसिपी ही नहीं देखी है क्योंकि वो हिंदी चैनल देखते हैं, मराठी चैनल नहीं देखते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर मसाले के लिए मैंने ना अदरक पहले ही कद्दूकस करके उसे सुखाने के लिए डाल दिया था,
मतलब चिप्स बना के उसके, और यहाँ पर मैंने इलायची ली है, दालचीनी ली है और काली मिर्च ली है। ये सारी चीज़ें एक साथ पीसना है और बन जाएगा आपका चाय मसाला। और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना इसकी वजह से चाय, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मम्मी बहुत अच्छा चाय मसाला बनाती थी, तो मैंने इस बार सीख ली तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती। तो इससे पहले मैंने उस चैनल पे शेयर की थी तो अभी इस चैनल पे भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो अदरक है ना वो अदरक इतना ज़्यादा सूख नहीं रहा है, जैसे धूप में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है अदरक, अच्छे से सूख जाता है। तो अभी ना बारिश चल रही है इतने दिनों से, तो अच्छे से अदरक नहीं सूखा है, फिर भी उसका मसाला बना ले रही हूँ क्योंकि 3 दिन हो गए अदरक सुखाने के लिए, 3 दिन से सूख ही रहा है फिर भी वो इतना अच्छे से नहीं सूखा है। बट मसाला ख़त्म हो गया था तो इसी वजह से बनाना पड़ रहा है अभी मसाला मुझे। तो यहाँ पर देखो 3 दिन से बारिश ही चल रही है ना लगातार, तो इसी वजह से सूख ही नहीं रहा है ये। तो इसे अच्छे से पीसने के बाद भी थोड़ा सा दरदरा ही था, तो मैंने सोचा चलो वैसे भी हम लोग जब अदरक पीस के डालते हैं थोड़ा सा दरदरा ही होता है, वो चाय में पक जाता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा सा फाइन ही ग्राइंड करना है उसे, कोई बात नहीं, वो चाय में पक जाएगा। तो यहाँ पर बस मसाला रेडी है। और मुझे कमेंट करके बताइए किसने किसने मम्मी की रेसिपी ट्राई की थी और किसने किसने मेरी रेसिपी ट्राई की थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पर अभी आज ये मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये ट्राई करना बनता है, इसको ट्राई ज़रूर करना, मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बाहर का मसाला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ये मसाला। और इसकी चाय इतनी टेस्टी बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आपको क्या ही बताऊँ, मतलब पीते रह जाओगे चाय। क्योंकि जब काम चल रहा था ना मेरे घर पर, तब मैं इस मसाले की चाय बनाती थी, तो वो जो काम करने के लिए आते थे ना वो लोग बोलते थे कि यार आप क्या यूज़ करते हो चाय में, इतनी बढ़िया चाय बनती है आपके घर की। बस मसाला बना लिया है, अभी आगे से टेंशन नहीं रह गया कि मसाला नहीं है, कल ही ख़त्म हो गया था मसाला। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ वॉश करके रख दी है, ये सब्जियाँ इन्होंने लाई थी तो ये वॉश करके यहाँ पर रख दिया है सुखाने के लिए, फिर बाद में इसे फ्रिज में रख दूँगी। और सब्जियों में क्या क्या लाया है आप देख ही लीजिए, ये भिंडी है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, उसके बाद ये बरबटी की फली है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च को वॉश कर लिया है और उसके बाद डंठल तोड़ के रख दिया है। हे गाइस, अभी कामों से फ्री हुई हूँ और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिलता है यार आपसे बात करने का। सुबह आजकल बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होती है, इनको ड्यूटी जाना होता है, उधर से हम लोग जिम से आते हैं, उसके बाद ये ड्यूटी जाते हैं और फिर मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके फिर जल्दी जल्दी करके देना पड़ता है इन्हें। तो अभी काफ़ी देर से बात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा चलो आपसे हालचाल पूछ लेती हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस अभी बाकी के काम कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने ना कुछ माही के लिए और अद्विक के लिए कुछ ऑर्डर किया था और अपने लिए भी, तो वो आपको दिखाने वाली हूँ, मेरी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ आपको। तो गाइज, मैं आपके साथ माही की कुछ शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ और मेरे लिए कुछ शॉपिंग की है, मतलब मेरे लिए तो थोड़ी सी की है, ज्यादा से ज्यादा माही की शॉपिंग है वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो मैंने माही के लिए लिए है एक ड्रेस और 2 स्कर्ट और कुछ लिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं माही का ड्रेस दिखाती हूँ आपको, ये जो है ड्रेस इस तरह से है। जब माही के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था तो माही को पता भी नहीं था, मैंने ऐसे सरप्राइज देने के लिए माही के लिए ऑर्डर किया था। जब ये पार्सल आया और उसने ओपन किया ना, उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा, बहुत पसंद आया था उसे ये। तो यहाँ पर स्लीव्स पे इस तरह से सीक्वेंस का वर्क है और उसके बाद मतलब सिल्वर वाला, और उसके बाद आप देखो ये पूरा बॉडीकॉन ड्रेस है और यहाँ पर कटवर्ट नहीं है नीचे तक। माही को साइज लगता है XS, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि माही को साइज कौन सा लगता है, क्योंकि उनकी बेटियों के लिए मंगाना होता है उनको, तो इसी वजह से मैं आपको पहले ही बता दूं कि माही को XS साइज लगता है। और इतना सुंदर ड्रेस है ना ये कि आपको क्या ही बताओ, और ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आप मॉल वॉल में परचेस करने जाते हो इस तरह के ड्रेस, तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो ये मैंने अमेजोन से लिया है, सारी चीजें मैंने अमेजोन से ही ली है। No, I was supposed to be my friends, I kill, what did you do to me? I killed, I know, once I swear for champions, I can't believe it. सेकेंड मैंने माही के लिए लिया है ये वाला डेनिम स्कर्ट, जो उसके पहले के डेनिम स्कर्ट है वो बहुत ज्यादा हाइट में अभी बढ़ गई है, तो पहले के जो डेनिम स्कर्ट है उसे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो रहा है और कमर में भी टाइट हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने उसके लिए अभी ये वाला डेनिम स्कर्ट ऑर्डर किया है। ये लाइट ब्लू कलर में है और बहुत ही सुंदर से ऐसे बटन्स दिए हैं और यहाँ पर पॉकेट भी है आगे, और बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये स्कर्ट भी। तो और इसमें माही का साइज है S,
एक्सेस नहीं मिला मुझे इसमें, तो इसी वजह से एस ऑर्डर कर दिया। बट एस भी माही को थोड़ा सा ही लूज आ रहा है, थोड़े दिन में हो जाएगा उसे। बच्चे जल्दी बढ़ जाता है, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा यही ले लिया उसके लिए, मतलब बड़ा ही ले लिया। इसमें भी माही का साइज यस है और ये भी सेकंड स्कर्ट है, तो ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर में है, थोड़ा सा वो लाइट ब्लू कलर में था, ये डार्क ब्लू कलर में। सेम ही है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी दो पॉकेट दिए है, बटन दी है सामने, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये भी स्कर्ट। ये दोनों डेनिम स्कर्ट लिए है उसके लिए। उसके बाद मैंने उसके लिए ये सैंडल ऑर्डर की थी, मतलब रेगुलर यूज के लिए। बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है मुझे। देखो इसकी हील भी देखो, ज्यादा हील भी नहीं है और फ्लैट भी नहीं है, और इस तरह से ये सैंडल है बेबी पिंक कलर में, एकदम लाइट पीच कलर बोल सकते हो, पिंक कलर बोल सकते हो, बेबी पिंक कलर, तो उस टाइप में ये सैंडल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। बट माही को साइज मेरे साइज का ही आता है, ये वाला साइज आप छोड़ ही दो, माही के पैर जो है बहुत ज्यादा बड़े हैं। 41 साइज में ये मैंने ऑर्डर किया था, मतलब 8 साइज में, तो उसे 8 साइज आती है इसमें सैंडल वगैरह में, फुटवेयर में। और उसके बाद मैंने उसके लिए जो ऑर्डर की थी वो ये 4 वॉच का सेट है, ये देखिए, मतलब हर किसी आउटफिट पे ये चल जाएंगे, इसी वजह से मैंने उसके लिए ये ऑर्डर किए थे। देखो ये एक वाइट कलर में है, ये बेबी पिंक कलर में है, उसके बाद ये ब्लैक कलर में है, ये ग्रे कलर में है, और इतने सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। और उसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी कि उसको मैचिंग मैचिंग चाहिए थे, तो वो ख्वाहिश भी उसकी पूरी होगी। और ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये वॉचेस, मतलब सेट ही है तो ज़्यादा महंगा नहीं है, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। और बच्चे जल्दी खुश हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए उनके लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिया करो ताकि वो खुश हो जाए। और वैसे ही मैंने जैसे माही के लिए ऑर्डर किया था तो अद्विक के लिए भी ऑर्डर कर दिया था। ये एक वाइट वॉच है अद्विक की, समझ में नहीं आती है उसे वॉच, बट फिर भी चाहिए, माही दीदी को लिए है ना तो उसको भी चाहिए, तो ये मैंने वाइट कलर की अद्विक के लिए ली थी ये वाली, बहुत सुंदर है वॉच ये, मतलब क्वालिटी वाइज भी और सब। और उसके बाद ये वाली वॉच ली है, ये आर्मी क्या बोलते हैं कलर में है, जैसे चीता कलर नहीं होता आर्मी ड्रेस उस टाइप में है, बट ये थोड़ी सी उसकी कलाई से वॉच बड़ी है, बट फिर भी पहन लेता है वो, बच्चे का क्या है। और इसके साथ ये सेट है ये पूरा, मतलब ये छोटी सी वॉच है स्मार्ट वॉच और उसके साथ ये वॉच है, तो ये दोनों का सेट है और उसके बाद ये वाली है। तो ये 3 वॉच मैंने अद्विक के लिए ली थी, बहुत वो खुश हो गया था इस वॉच को देख के, मतलब तीनों वॉचों को देख के। और उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ मंगाया था, तो अपने लिए ये वाली वॉच मंगाई थी। ये वॉच है यहाँ पर, ये टाइमेक्स की वॉच है एक्चुअली, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ कैसी है। तो और मुझे आजकल ना टाइमेक्स टाइटन की वॉच बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है, उसमें कलेक्शन बहुत अच्छा आया है टाइमेक्स टाइटन की वॉचेस में, तो इसी वजह से ये देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। आप कोई भी आउटफिट पे इसे पहनो, वेस्टर्न पे पहनो या इंडियन पे पहनो, इंडियन पे तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी, बट वेस्टर्न पे भी आप इसे पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी ये वॉच। तो मैंने ये वॉच ली है, आप आगे पहनते हुए देख ही लोगे मुझे। ये इस टाइप का बॉक्स आया था इसके लिए, इस तरह की पैकेजिंग थी इसकी, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये वॉच। आप लोग सोच रहे होंगे तीनों के लिए लिया है बट इनके लिए क्यों नहीं लिया है, इनके लिए मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा है। अब प्राइम सेल आने वाला है 26 एंड 27 को, तो इसी वजह से उस टाइम मैं इनके लिए परचेस करने वाली हूँ। ये तो मैंने अभी परचेस कर लिया, ये अभी नहीं लिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके परचेस किए हैं, तो अभी ये थोड़ा सा कलेक्ट हो गया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बट मैंने इनके लिए जो ऐड टू कार्ट करके रखा है तो वो मैं प्राइम डे पे लेने वाली हूँ, 26 एंड 27 जुलाई को प्राइम डे है, और उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं।
जैसे कि आप अगर 1000 रुपीज की शॉपिंग करते हो ना, तो आपको 1000 रुपीज तक कैशबैक मिल सकता है, और आपको उस टाइम में काफी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ऐड टू कार्ट इनके लिए करके रखा है, उस टाइम मैं ऑर्डर करूंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट टाइम। आई होप गाइज ये मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। और हाँ, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, और मेरी वॉच आपको कैसे लगी, माही की वॉच आपको कैसे लगी, अद्विक की वॉच आपको कैसे लगी, और माही के ड्रेसेस आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको परचेस करना है तो आप प्राइम डे पे परचेस करना, और आपने अभी तक प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है ना, तो 3 महीने की या 1 साल की प्राइम मेंबरशिप ले लो, 3 महीने की भी ले सकते हो आप। प्राइम डे आने वाला है तो उसमें आपका वो जो प्राइम मेंबरशिप का खर्चा है वो तो निकलने वाला है। 300-350 की प्राइम मेंबरशिप आती है, वो ले लो यार। प्राइम मेंबरशिप लेने से आपकी इतनी ज्यादा सेविंग होने वाली है 26 एंड 27 को। अगर आपको ये सारी चीजें परचेस करनी है तो ऐड टू कार्ट करके रखिए, प्राइम डे पे ही परचेस करना। सारी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और एक माय हाउस स्टोर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मतलब एक एक लिंक आपको चेक करना नहीं पड़ेगा, मतलब आप माय हाउस स्टोर का लिंक क्लिक करोगे ना तो सारी चीजें आपको वहां पर ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस चलिए मैं अपने काम करती हूँ। चलिए गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। नहीं, बॉटल कहाँ ऑर्डर की थी, बॉटल तो पहले की है, अद्विक अभी सो के उठा है देखो। तो चले गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, ध्यान रखना अपना।